हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मनी प्लांट गार्डन में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए मैं एक सुंदर सा और प्यारा सा फ्लावर लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और ये डेसी वैरायटी के उसमें आते हैं। तो जो ये फ्लावर, इसका नाम एस्टर है, एस्टर करके है इसका नाम। तो ये देसी वैरायटी में आते हैं। जैसे कि मेरी गोल्ड होता तो उसकी कई वैरायटी होती हैं, ऐसे एस्टर भी देसी जो देसी होता है। मैंने लास्ट वीडियो जो डाली है उसमें ये आते हैं देसी वैरायटी में। तो देखिए कितना प्यारा कलर है। और इसके बीच में जो देखिए ये बीच येलो पैटर्न करके बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसके कलर भी डिफरेंस होते हैं, पर्पल, येलो, वाइट, पिंक और भी होते हैं। तो जो मेरे पास अभी है फ़िलहाल वो पिंक और पर्पल दो कलर में अवेलेबल है मेरे पास। तो इसके पौधे मैंने दिसंबर में लगाए थे। तो अभी तो थोड़ा सा लेट फ्लावरिंग हो रही है मेरे यहाँ पे। तो जितने भी विंटर फ्लावर्स हैं अब जाके यहाँ पे फ्लावरिंग शुरू हुई है, क्योंकि इस सीज़न में कुछ ज़्यादा ही मौसम ख़राब था तो धूप भी नहीं उतनी निकल पाई थी। तो अब जाके फ्लावरिंग हो रही है। और भी आगे मैं आपको विंटर फ्लावर्स की वीडियोस दिखाऊंगी जो कि अब खिलना शुरू है मेरे गार्डन में। और फ्रेंड्स, ये देखिए पर्पल करके है एस्टर का जो प्लांट है। देखिए बहुत अच्छी लग रही है मुझे। और आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो मेरे पौधे कैसे लगते हैं। और अगर आप लोगों को कोई जानकारी भी चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं मुझसे। अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को आंसर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया हुआ है, इसकी मिट्टी आप कभी भी कोई भी प्लांट बनाओ तो गोल्डन मिट्टी लीजिए। और पॉट में लगा रहे हैं तो ज़रूरी है वेल्ड्रेन मिट्टी लें। और मिट्टी वेल्ड्रेन कैसे बनती है आप लोगों को मैंने हर एक वीडियो में बताई हुई है कि आप सैंड सोयल और गार्डन सोयल और आप चाहे तो कंपोस्ट या गोबर की खाद मिला सकते हैं, जो कि पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और तो पॉट, आप पॉट जैसा भी पॉट ले रहे हैं, छोटा बड़ा या चाहे जैसे, उसमें ड्रेनेज होल भी होना चाहिए जिससे आपका जो एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए। बस यही सब बातें का ख्याल रखना है। और फिर इनके बीज भी, आप जब इनके पौधे मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, तो इनके बीज को आप उसे नेक्स्ट ईयर के लिए कलेक्ट करके रख सकते हैं। और फिर बीज जब अच्छे से सूख जाए तभी आप रखें, नहीं तो फंगस लगने का डर भी रहता है। और सीडलिंग इसकी आप अगस्त और सितंबर तक कर सकते हैं, क्योंकि वो मंथ बहुत अच्छा होता है सीडलिंग के लिए। जो मतलब विंटर सीड्स होते हैं, जो विंटर फ्लावर्स होते हैं, उनकी सीडलिंग अगस्त और सितंबर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप उस टाइम पे अगर करेंगे तो अच्छे से आपके जो सीड्स होंगे अच्छे से ग्रो करेंगे। सो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट, और मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर वीडियो आपको नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक मत करिएगा, देखकर चले जाइएगा। और मन होगा तो लाइक कर दीजिएगा, पर डिसलाइक मत करिएगा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।